फलका ब्लॉक में भव्य हुआ सर्वधर्म प्रार्थना सभा, कोरोना से मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। वैश्विक महामारी कोरोना से मृत लोगों के आत्मा के शांति एवं पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य लाभ को लेकर दैनिक जागरण के पहल पर जिले को फलका प्रखंड सभागार में प्रमुख सतीश मंडल, BDO रेखा कुमारी व थाना अध्यक्ष उमेश पासवान के संयुक्त अध्यक्षता में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। 2 मिनट मौन रखकर कोरोना काल से मृतक को श्रद्धांजलि और पीड़ित के स्वास्थ्य कामना की गई। महामारी कोरोना से ग्रसित होकर जिस भी परिवार ने अपना जन खोया है, उस मृत आत्मा के शांति के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का उनके आत्मा के शांति के लिए जो है कि मौन धारण किया है। और साथ ही जो परिवार, जो व्यक्ति इस कोरोना से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर शीघ्रता से स्वस्थ करे। जैसा कि बार बार मैसेज हम आपको मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का धारण करें हम, और सरकार ने जो वैक्सीन निकाला है कोरोना से बचाव के लिए, इस वैक्सीन को प्रत्येक परिवार तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वैक्सीन के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बहुत उदासीनता देखने को मिल रहा है। आज मैं इस शोक सभा के माध्यम से तमाम त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सादर आग्रह करते हैं, वे सभी अगर 10-20 घर परिवार को समझा कर यदि वैक्सीनेशन कराते हैं तभी हम सुरक्षित हो सकेंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व है, समाज का उत्तरदायित्व है। इसका निर्वहन हम निष्ठा और ईमानदारी से करें ताकि इस वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग निजात पा सकें। कुछ दिनों से कोरोना में गिरावट आई है और लापरवाही भी देखने को मिल रही है। हम आग्रह करते हैं समस्त प्रखंड वासियों से कि आप लापरवाही ना बरतें, मास्क का धारण करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और वैक्सीन जो आया है उसको निश्चित रूप से लगवाएं और लोगों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद। ये कोरोना, ये हम लोगों ने काफ़ी देखा कि कितना बर्बादी हुआ, इसने किसी भी उम्र के लोगों को नहीं छोड़ा और अब तीसरी लहर भी आने ही वाला है। हम लोगों को अभी से अलर्ट रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है। जिस तरह हम बाइक चलाते हैं तो अपने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते हैं, उसी तरह अपने जीवन की रक्षा के लिए जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मैं सबसे अपील करूंगा पूरे प्रखंड वासियों से, तमाम नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से, सभी आम नागरिकों से, सभी लोग टीकाकरण जरूर करवाएं, अपने परिवार को, अपने सगा संबंधी को इसके बारे में बताएं, किसी तरह के इससे कोई नुकसान नहीं है। और एक टारगेट कर लें कि हमको कम से कम, मेरे प्रयास से, जैसे कि हमारी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने बताया, कम से कम 5 आदमी हम ये जिम्मा ले लें, सभी जनप्रतिनिधि, सभी बुद्धिजीवी, कि हमको कराना है तो उसको मोटिवेट करके प्रेरित करें कि सभी पंचायतों में कोरोना महामारी से बचाव का टीकाकरण हो रहा है, कन्या उच्च विद्यालय में भी हो रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराएं। और जो परिवार इससे ये हो चुके हैं हम लोग उसके लिए ये करते हैं, उनका परिवार के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किए, और जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनके लिए हम लोग दुआए खैर मकदम करते हैं।